इनम पागल हो गया तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या करी थी ये? इनम इनम क्या कर रही थी तुम? ये पागल हो गई हो तुम नीलम? क्या लगा रखा है ये? क्या कर रही? क्या सरपंची महान बनने की? क्यों नहीं बोला कि चोरी मैंने की? क्यों अपने पापा जी के सामने हिसाब खुद में ले लिया? क्यों नीलम, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी नीलम? कुछ हो जाता तो उस दिन डाइनिंग टेबल पर भी तुम हाथ काटने पर तुली होती, नस कट जाती तो। ये पैसे चुराना क्यों क्यों क्यों? सिर्फ मीठूटा को नीचा दिखाने के लिए? अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी, मर जाओगी तुम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब? पागल हो गई हूं मैं? मुझे बहुत डर लगता है, मुझे डर लगता है कि आप मुझे दूर ना चले जाओ। मेरे हर वक्त ना दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि मैं लाख कोशिशें भी कर लूंगी ना तो वो भी दुट्टा मुझे आपसे छीन लेगी। मुझे आपसे दूर नहीं होना, आप मुझे छोड़ के मत जाना। मी फुटना कितना भी बोले ना, आप मुझे मत छोड़ना प्लीज। आप मुझे नहीं छोड़ोगे ना? इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। उसने सिर्फ पापा जी को ही ना, सारे घर वालों ने अपने खिलाफ कर लिया। उस नीलू के लिए क्यों? ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर मेरा प्यार मुझे वापस बुलाता है या मेरा दिल कमजोर पड़ता है? और इस बात को कोई नहीं बदल सकता, वो मीत होता भी नहीं। क्योंकि मैं अब इस रिश्ते से समझौता कर चुका हूं नीलम। मतलब ये सब सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपने मुझसे शादी की? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारी शादी हुई है, बल्कि इसीलिए करूंगा क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी है। इसने मारा बेटा, छीन लिया हमारे से। मैं ना छोड़ूंगी तेरी बेटी को। इस राज को छुपाने के लिए आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो सुन, तन्ने मारी बेटी से ब्याह करना होगा। ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ, और मैं अपनी पूरी काबिलियत से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा, फिर चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।